जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिकीज रेल स्ट्रीम। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं किसान आंदोलन जो कि खत्म हो चुका है। तो आज की जो डेट ऑफ व्लॉगिंग है वो है 22 मई 2024, और जो किसान आंदोलन है वो कल यानी कि 21 मई 2024 को ख़त्म हो चुका है। जो किसान लीडर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया कि हम शंभू रेलवे स्टेशन से जो टेंट लगे हुए थे, जो हम आंदोलन कर रहे थे शंभू रेलवे स्टेशन पे, उसको हम हटा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, किसान रेल रोको आंदोलन खत्म हो रहा है। तो ये रेल रोको आंदोलन 17 अप्रैल को शुरू हुआ था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि 3 से 4 किसानों को हरियाणा पुलिस ने अब लॉकअप के अंदर डाल दिया था, तो उनकी रिहाई के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। अब 100 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 महीना किसान रेल रोको आंदोलन को हो चुका है। तो आज रेल रोको आंदोलन खत्म हो रहा है, यानी कि 21 मई जो कल की डेट थी उसमें रेल रोको खत्म हो चुका है। मतलब ये है कि जो अंबाला से लुधियाना का रेल ट्रैफिक था वो वापस से अपने रूट पे आ जाएगा। अभी ये ट्रैफिक हमने पिछली वीडियोस में देखा कि डाइवर्टेड चल रहा था। जो उत्तर प्रदेश बिहार की ट्रेन्स थी वो वाया चंडीगढ़, मोरिंडा, समराला, लुधियाना ले जाई जाती थी, और जो न्यू दिल्ली साइड से ट्रेन्स आ रही हैं वो वाया जाखल, धूरी, लुधियाना लेके जाया जाता था। तो अब इन ट्रेन्स को वापस से अंबाला, शंभू, राजपुरा, सरहंद, लुधियाना रूट के ऊपर, जो इनका ओरिजिनल रूट है, उन पे इनको चला दिया जाएगा। जब किसान रेल रोको आंदोलन की डाइवर्टेड ट्रेन्स कवर की चंडीगढ़, मोहाली, खरड़ रेलवे स्टेशन के अराउंड, तो हमने देखा कि ट्रेन्स बहुत लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेन्स 4 घंटे लेट, कुछ 8 घंटे लेट, और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स 12-12 घंटे भी लेट चल रही थी, तो उससे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। अच्छा, इसके अलावा जो डेली की ट्रेन्स थी, जो इस रूट की ओरिजिनल ट्रेन्स थी, जैसे चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस, चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस, उसके बाद DMU ट्रेन्स और MEMU जो पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं, उनको तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया था। तो पिछले 1 महीने के लिए ये सारी जो इंटरसिटी ट्रेन्स हैं, जैसे कि शाहने पंजाब, दिल्ली पठानकोट, न्यू दिल्ली अमृतसर, न्यू दिल्ली जलंधर इंटरसिटी, न्यू दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी, न्यू दिल्ली फिरोजपुर एक्सप्रेस, DMU ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, ये सारी ट्रेन्स कैंसिल चल रही थी, क्योंकि ये शॉर्ट रूट की ट्रेन्स थी, इनको सुबह जाके शाम को अपना ट्रिप ख़त्म करना होता है, तो इन ट्रेन्स को कर दिया था कैंसिल। लेकिन अब ये ट्रेन्स वापस से रिज्यूम हो चुकी हैं अपने ओरिजिनल सेक्टर के ऊपर, ये ट्रेन्स दोबारा से चलाई गई हैं, जो कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा जो बाकी ट्रेन्स थी लॉन्ग रूट की ट्रेन्स, उनको शॉर्ट टर्मिनेट किया था, लेकिन मैक्सिमम ट्रेन्स को डाइवर्टेड रूट्स के थ्रू चलाया जा रहा था। इसकी वजह से जो सिंगल लाइन सेक्शन था उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन्स देखनी पड़ रही थी, तो बहुत ट्रेन्स की वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रहे थे। उसका जो इम्पैक्ट था वो ये था कि ट्रेन्स बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी। तो इस सिंगल लाइन सेक्शन पे इतना ट्रैफिक हो चुका था लॉन्ग रूट ट्रेन्स का कि उनको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स जो थी वो कैंसिल करनी पड़ी थी। लेकिन अब ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन्स, इंटरसिटी ट्रेन्स, इनको वापस से रिज्यूम किया जा रहा है। कौन सी ट्रेन्स चल चुकी हैं, कौन सी चलनी है, हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। ट्रेन्स की वीडियो दिखाने से पहले अंबाला लुधियाना सेक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेन जो इस टाइम पे मैं आपको दिखा सकता हूँ वो है अंबाला लुधियाना मेमू ट्रेन। ये जो MEMU ट्रेन है, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ये पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं जो कि अंबाला से लुधियाना के बीच में सारे स्टेशन पर रुकेंगी। अगर ये ट्रेन अंबाला से लुधियाना के बीच में अपने ओरिजिनल रूट पर चल रही है, इसका मतलब ये है कि बाकी सारी ट्रेन्स को भी अपने ओरिजिनल रूट पर वापस लेके आया गया है, और अब वो अपने डाइवर्टेड रूट्स पे नहीं चलेंगी। तो हम देखते हैं अगर 21 मई को कल क्योंकि किसान आंदोलन ख़त्म हुआ है, कल किसान के लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अब हम किसान रेल रोको आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं, तो कल ये ट्रेन कैंसिल थी क्योंकि कल ही ये आंदोलन ख़त्म हुआ है। लेकिन आज अगर 22 मई को मैं देखूँ तो आप देखो, अंबाला से ये ट्रेन सुबह 6 बजे निकली, अंबाला सिटी पहुँची, उसके बाद शंभू रेलवे स्टेशन पहुँची, उसके बाद राजपुरा, सराय बंजारा, साधुगढ़, सरहंद, उसके बाद गोविंदगढ़, खन्ना, चावापैल, दुराहा, सानेवाल, ढंडारी कलां और लुधियाना। तो इसने अंबाला लुधियाना सेक्शन जो ब्लॉक पड़ा था शंभू रेल रोको आंदोलन की वजह से, इसने आज अपना रन किया है और सारे स्टेशंस कवर किए हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रेन का जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वापस से अंबाला लुधियाना सेक्शन
वाया राजपुरा सरहंद ऑपरेशनल हो चुका है 22 मई से, क्योंकि 21 मई को ये ट्रेन कैंसिल थी, 22 मई को ही। हम सबसे पहले ट्रेन देखते हैं जम्मू मेल 14033, जो कि पुरानी दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच में चलती है। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं 14033। तो आप देखें कि जो दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच में जम्मू मेल चलती है वो अभी बादली स्टेशन क्रॉस कर चुकी है। ये ट्रेन अभी तक कैंसिल चल रही थी और न्यू दिल्ली से जितनी भी ट्रेन्स थी वो सारी जाखलधूरी रूट पे चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा के ट्रेन डाइवर्टेड है, ना ही यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि स्टेशन कैंसिल है। सोनीपत, गनौर, समालखा, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, राजपुरा, लुधियाना, सारे स्टेशंस इस ट्रेन के ऑपरेशनल हैं और आज यानी कि 22 मई को ये ट्रेन इन स्टेशंस पे रुकने वाली है। नेक्स्ट ट्रेन अगर मैं देखूँ तो पूजा सुपरफास्ट देखते हैं, जो कि अजमेर से जम्मू तवी के बीच में चलती है 12413। ये ट्रेन भी अपने डाइवर्टेड रूट पे चल रही थी, लेकिन अभी अगर हम आज का देखें तो ट्रेन रीशेड्यूल ज़रूर हुई है एक घंटे से, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा कि ट्रेन डाइवर्टेड है। तो ये ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है, ये ट्रेन अभी अलवर से निकल चुकी है, नेक्स्ट स्टॉप इस ट्रेन का रेवाड़ी होने वाला है और उसके बाद ये ट्रेन जब दिल्ली पहुँचेगी एक घंटे की डिले से पहुँचेगी, नेक्स्ट स्टॉप इसका करनाल रहेगा, अम्बाला, लुधियाना। तो ये ट्रेन भी अपने ओरिजिनल रूट पे आ चुकी है। उसके बाद हम कोई फेमस ट्रेन देखते हैं जिसके बारे में लोग बहुत इंक्वायरी करते हैं, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 13151। इसको हमने बहुत ज़्यादा कैप्चर किया है अपने डाइवर्टेड रूट चंडीगढ़ पे, लेकिन अगर अब हम बात करें तो ये ट्रेन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये ट्रेन डाइवर्टेड है। और इसके जो स्टेशन हैं अम्बाला के बाद अगर हम देखें तो अम्बाला स्टेशन रात के 1:30 बजे पहुंचेगी, राजपुरा रात के 2 बजे, सरहंद 2:10 पे, खन्ना, लुधियाना, सारे स्टेशन इसके ऑपरेशनल हैं, कोई भी स्टेशन कैंसिल नहीं दिख रहा है। अगली ट्रेन देखते हैं हम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 18237। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देखें, ये ट्रेन रीशेड्यूल ज़रूर हुई है 7.5 घंटों से, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये ट्रेन कैंसल्ड है या फिर अपने स्टॉप्स पे जो भी इसके स्टॉप थे अम्बाला और लुधियाना के बीच में वहाँ पे नहीं आ रही। तो अपने सारे स्टॉप्स अम्बाला सिटी, राजपुरा, सरहंद, गोविंदगढ़, खन्ना, लुधियाना, सारे स्टॉप्स पे ये रुकेगी और डाइवर्टेड रूट पे नहीं चल रही, अपने ओरिजिनल रूट पे चल रही है। उसके बाद देखते हैं हम जेलम एक्सप्रेस 11077। तो अगर मैं आज की डेट में देखूं 22 मई में, तो आप देखें ये ट्रेन चल चुकी है पुणे से, कहीं पे भी नहीं दिखा रहा कि ये ट्रेन डाइवर्टेड है किस दो स्टेशंस के बीच में। अदरवाइज़ ये ट्रेन जो थी वो डाइवर्टेड थी दिल्ली जाखलधूरी लाइन पे, लेकिन अभी इसका स्टॉप अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, राजपुरा, सरहंद, खन्ना, उसके बाद लुधियाना, सारे इसके स्टॉप्स जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये वापस अपने ओरिजिनल रूट पे आ चुकी है। और अगर हम कोई दूसरी ट्रेन देखते हैं तो इसमें से कोई फेमस ट्रेन मैं देखता हूँ अर्चना एक्सप्रेस देखते हैं 12355। अब हम अर्चना एक्सप्रेस की बात करते हैं, काफ़ी फेमस ट्रेन है, पटना और जम्मू के बीच में चलती है अर्चना। तो देखें अगर मैं कल का देखूं अर्चना एक्सप्रेस का, जब ये कल किसान आंदोलन ख़त्म कर दिया गया था, तो ये ट्रेन अम्बाला बिल्कुल राइट टाइम पहुंची, राइट टाइम नहीं थी, 40 मिनट लेट थी, सॉरी, बट लुधियाना ये 1 घंटा लेट पहुंची। तो अम्बाला से लुधियाना के बीच में 20 मिनट का और डिले हो गया। लेकिन अगर ये ट्रेन अम्बाला से डाइवर्टेड रूट पे आती जो कि था चंडीगढ़ मोरिंडा, तो ये कम से कम 3.5 घंटे लेट पहुंचनी थी, लेकिन ये सिर्फ 20 मिनट का और डिले हुआ। मतलब ये भी अपने ओरिजिनल रूट पे वापस आ चुकी है। अगर डाइवर्टेड रूट होता तो यहाँ पे लिखा ना था कि ट्रेन इज़ डाइवर्टेड बिटवीन अम्बाला एंड सानेवाल। और कोई फेमस ट्रेन देखते हैं, ये देखते हैं बेगमपुर एक्सप्रेस 12237। इस ट्रेन की बहुत क्वेरीज आती थी 12237। अब अगर हम बेगमपुर एक्सप्रेस देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये ट्रेन डाइवर्टेड है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं कल का देखूँ तो कल ज़रूर ट्रेन 5.5 घंटे डिले हुई थी,
लेकिन और वो ट्रेन अभी आप देख रहे हो बड़ी ब्राह्मण पहुंची है, अभी भी जम्मू नहीं पहुंची है, ट्रेन 8 घंटे डिले हो चुकी है जो बेगमपुरा है। लेकिन अगर मैं अम्बाला से लुधियाना के बीच में देखूं तो अम्बाला के बाद अम्बाला 8 घंटे लेट पहुंची थी और लुधियाना 8.5 घंटे लेट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 0.5 घंटा और डिले हुई, तो मतलब ये अम्बाला से लुधियाना के बीच में ओरिजिनल रूट पे ही गई, लेकिन क्योंकि अगर ये अम्बाला से चंडीगढ़ डाइवर्ट कर दी जाती तो ये ट्रेन थी ये कम से कम 3.5 घंटे डिले होती। तो यहाँ पे 8 घंटे जो लिखा हुआ है 8.5 घंटे, इसकी जगह 10.5 घंटे या 11.5 घंटे लिखा होना था। ये ट्रेन भी वापस अपने ओरिजिनल रूट पे आ चुकी है, गंगा सतलुज एक्सप्रेस 13307। तो ये ट्रेन आप देखें कि ये ट्रेन जो धनबाद से चली है फिरोजपुर के लिए, इसका अगर हम अम्बाला के बाद के स्टेशंस देखें तो आप देखें अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, राजपुरा, सरहंद, गोविंदगढ़, खन्ना, लुधियाना, सारे स्टेशंस इसके ऑपरेशनल दिखा रहा है। कहीं पे भी ये नहीं दिखा रहा कि ये ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई है इन स्टेशंस के लिए, सब स्टेशंस पे दिखा रहा है कि राइट टाइम आ रही है ये ट्रेन। सवराज 12471, इसकी डिटेल्स देखो, ये 10 घंटे डिले है ट्रेन, और ये ट्रेन बांद्रा से वैष्णो देवी के बीच में चलती है, और कहीं पे भी नहीं लिखा रहा कि ये ट्रेन डाइवर्टेड है। अगर ये ट्रेन डाइवर्टेड होती तो जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रेन इज रीशेड्यूल्ड बाय 10 आवर्स, यहीं पे लिखा होता है ट्रेन इज डाइवर्टेड बिटवीन न्यू दिल्ली लुधियाना, या फिर ट्रेन इज डाइवर्टेड बिटवीन अम्बाला एंड सानेवाल, बट कहीं भी नहीं लिखा। तो ये ट्रेन अपने ओरिजिनल रूट पे आ चुकी है। तो ऐसे ही सारी ट्रेन्स जो हैं जो कि लुधियाना अम्बाला सेक्शन या अम्बाला लुधियाना सेक्शन पे चल रही थी, जिनकी डेस्टिनेशन वैष्णो देवी या अमृतसर थी, वो वापस से अपने रूट्स के ऊपर आ चुकी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेन्स अगर किसान आंदोलन ख़त्म हो गया तो ट्रेन्स लेट क्यों चल रही हैं। तो दोस्तों आप सबको मैंने बताया कि 21 मई को किसान आंदोलन ख़त्म हुआ है और आज की डेट है 22 मई, तो क्योंकि 21 मई को ही ख़त्म हुआ है किसान आंदोलन, जौन सी ट्रेन्स 21 मई को चल रही थी वो लेट चल रही थी और वो अपनी डेस्टिनेशन पे भी लेट पहुंची है, इसीलिए वो ट्रेन्स अपनी डेस्टिनेशन से चली भी लेट हैं। तो इसलिए आपको अभी भी ट्रेन्स लेट दिख रही हैं क्योंकि 21 मई को ही किसान आंदोलन ख़त्म हुआ है, तो अभी ट्रेन्स को 4 से 5 दिन लग जाएंगे अपने ओरिजिनल टाइम को रीस्टोर करते हुए, क्योंकि ट्रेन्स अभी 8-8 घंटे 9-9 घंटे लेट चल रही हैं, तो ये 4-5 दिन में अपने ओरिजिनल टाइम टेबल को फॉलो करने लग जाएंगी जब एक बार सारी ट्रेन्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अगर मैं इंटरसिटी ट्रेन्स की बात करूँ जैसे शान ए पंजाब, तो शान ए पंजाब एक्सप्रेस एक इंटरसिटी ट्रेन थी जो कैंसिल कर दी थी 1 महीने के लिए। अब क्योंकि ये कैंसिल थी तो ये सोर्स स्टेशन से बिल्कुल राइट टाइम चलनी चाहिए आज के दिन में, क्योंकि कल ही किसान आंदोलन ख़त्म हुआ तो आज ये ट्रेन चलनी चाहिए 12497। अगर हम देखें तो आप ये देखो 12497 न्यू दिल्ली से बिल्कुल राइट टाइम चली है आज के दिन, 6:40 का टाइम था, 6:42 पे चली है ना, सोनीपत पहुंची, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र तक आई, अम्बाला कैंट तक आती आती 1 घंटा लेट हो गई है। ये लेट सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जब ये ट्रेन न्यू दिल्ली से अम्बाला के बीच में आ रही थी तो कुछ टेक्निकल स्टॉप्स होते हैं ट्रेन के, जिसकी वजह से ट्रेन कई बार लेट हो जाती है। हमने भी देखा है, नॉर्मली अगर आंदोलन ना भी हो तो हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कई बार ट्रेन 1-1.5 घंटा लेट हो जाती है, तो उसकी वजह से ही ये ट्रेन लेट हुई है। उसके बाद ये ट्रेन अम्बाला, राजपुरा भी रुकी, खन्ना भी रुकी और फिर लुधियाना पहुंची। तो ये ट्रेन इंटरसिटी ट्रेन थी, 1 महीने के लिए कैंसिल थी, लेकिन अब ये 22 मई से चला दी गई है, इसकी टिकट्स ओपन हो चुकी हैं और ये ट्रेन शंभू क्रॉस करती हुई अम्बाला, राजपुरा, सरहंद और लुधियाना की कनेक्टिविटी बना रही है। तो ये ट्रेन डाइवर्टेड नहीं है, डिले ज़रूर है, और ये अमृतसर पहुँचती 2 घंटे लेट हो गई। अब क्योंकि ये ट्रेन 2:15 बजे अमृतसर पहुँचनी थी और 4 बजे पहुँची है अमृतसर, तो 2 घंटे तो वैसे ही लेट होगी ये ट्रेन। अब इस ट्रेन को सेम डे ही अपना रिटर्न ट्रिप करना होता है, तो जो रिटर्न ट्रेन है अगर मैं उसका नंबर डालूं 98, तो आप ये देखो कि ये ट्रेन अब पहुंची 4 बजे है तो 3 बजे कैसे निकल सकती है। ये ट्रेन 5:40 पे अमृतसर से निकली और अब क्यों लेट चली, क्योंकि जब ये न्यू दिल्ली से अमृतसर आई थी तब ये 2 घंटे लेट पहुंची थी, तो जब अमृतसर से न्यू दिल्ली जा रही है तब भी ये 2 घंटे लेट ही चल रही है। तो ये रीज़न है कि आप ट्रेन्स अभी भी लेट देख रहे हैं। ये रीज़न किसान आंदोलन करके नहीं है, ये रीज़न सिर्फ इतना है कि जो इनकमिंग ट्रेन है वो लेट आई है, तो जो
वापस ट्रेन अपने रिटर्न ट्रिप करेगी तो वो भी लेट जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये इस ट्रेन के थ्रू। दोस्तों ये था अंबाला लुधियाना सेक्शन का अपडेट। किसान रेल रोको आंदोलन ख़त्म हो चुका है, शंभू रेलवे स्टेशन खाली कर दिया गया है और अब ट्रेन्स वापस रिज्यूम कर चुकी हैं अपने ओरिजिनल रूट के ऊपर। अब मैं डाइवर्टेड रूट की बात करूं तो जाखल दूरी एक डाइवर्टेड रूट था और चंडीगढ़ मोरिंडा एक डाइवर्टेड रूट था। तो अभी मैं चंडीगढ़ मोरिंडा वाला डाइवर्टेड रूट देख रहा हूँ और उसमें एक ट्रेन देखते हैं 12411 चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी, जो कि पिछले एक महीने से कैंसिल थी। तो अगर मैं 12411 चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी देखूं, तो 21 मई को ये ट्रेन जो थी वो चलाई गई। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से चली ये ट्रेन, ऑल दो अमृतसर पहुँचते लेट होगी, 15 मिनट लेट पहुँची, बट ये ट्रेन एक महीने से कैंसिल थी और 21 मई को ये ट्रेन चली। 22 मई को भी ये ट्रेन चली और अमृतसर एक घंटा लेट पहुँची। 23 मई को भी ये ट्रेन चली और 23 मई को ये ट्रेन चलेगी, मतलब कल के दिन ये ट्रेन चलेगी। इसके अलावा जो हम इस सेक्शन की अगर बात करें तो और कोई ट्रेन देखते हैं, पश्चिम एक्सप्रेस देखते हैं, चलो 12925। ये ट्रेन बहुत डिले चल रही थी 5-5 घंटे, लेकिन अगर मैं 21 मई की बात करूं तो ये देखो आप, ये ट्रेन अमृतसर सिर्फ 20 मिनट लेट पहुंची। तो चंडीगढ़ अमृतसर वाया मोरिंडा सेक्शन जो था उसको रिज्यूम कर दिया गया। अब मैं आपको चंडीगढ़ से खरड़ की ट्रेन दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास पैसेंजर ट्रेन्स भी आएंगी। तो अगर चंडीगढ़ से खरड़ हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास पैसेंजर ट्रेन आती है, ये 04593, इसका स्टेटस देखते हैं, चलो 593। तो दोस्तों देखो, अगर मैं 21 मई को देखूं ये ट्रेन चली है, 20 मई तक ये ट्रेन कैंसिल थी, 21 मई को ये ट्रेन चली अम्बाला से धूलकोट लालड़ू डप्पड़ घग्गर चंडीगढ़ साहेबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली खरड़ मोरिंडा कुराली मियाँपुर रूपनगर घनौली भरतगढ़ कीरतपुर साहब अनंतपुर साहब बनौपली नंगल डैम रहमतपुर ऊना हिमाचल पनों चरारू तकराला अम्बनदोरा। इसने अपने सारे स्टेशंस पे स्टॉप लिए, ये ट्रेन चली है। 22 मई को देखें ये ट्रेन चली है, 23 मई को देखें तो ये ट्रेन चलने वाली है, ये ट्रेन भी कैंसिल थी। तो हमने एक पैसेंजर ट्रेन कवर करी अम्बाला नंगल रूट की, एक पैसेंजर ट्रेन कवर की अम्बाला लुधियाना रूट की, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स सारे स्टेशंस पे रुकती है। तो इससे हमें पता लगा कि अम्बाला नंगल रूट भी ऑपरेशनल है और अम्बाला लुधियाना रूट भी ऑपरेशनल है वाया राजपुरा सरहंद। तो अगर आपकी ट्रेन है चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी, चाहे वो सुबह चलती है चाहे शाम को, अगर आपकी ट्रेन है चंडीगढ़ फिरोजपुर, चाहे वो सुबह चलती है चाहे शाम को, अगर आपकी ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन जो कि DMU भी हो सकती है, जो कि MEMU भी हो सकती है, शाहान ए पंजाब दिल्ली पठानकोट न्यू दिल्ली जलंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेन्स की बुकिंग ओपन हो चुकी है, ये सारी ट्रेन्स अब चलनी शुरू हो चुकी हैं। 22 मई के बाद ये सारी ट्रेन्स में आप ट्रैवल कर सकते हो, ऑलमोस्ट अपने राइट टाइम पे ही ये ट्रेन्स अपने स्टेशन से पहुंचेंगी। और जो लास्ट अपडेट है वो यही है आपके लिए कि किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है 21 मई को, आज है 22 मई। आपकी जितने भी ट्रेन्स थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रही है, चाहे वो साउथ साइड से आ रही है, चाहे वो वेस्ट साइड से आ रही है, कोई भी आपकी ट्रेन थी वो अब डाइवर्टेड रूट पे नहीं चलने वाली, वो अपना ओरिजिनल रूट अम्बाला सरहंद राजपुरा लुधियाना उसी पे ही ट्रैवल करने वाली है, क्योंकि किसान आंदोलन रेल रोको आंदोलन शंभू रेलवे स्टेशन से ख़त्म हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैंने जिस वे में एक्सप्लेन किया आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। और अगर आपके मन में अभी भी 1% डाउट है कि हमारी ट्रेन डाइवर्टेड रूट से तो नहीं चल रही, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, ट्रेन डाइवर्टेड रूट पे नहीं चल रही, क्योंकि किसान आंदोलन हो चुका है ख़त्म। जस्ट 4-5 दिनों के लिए 22 मई 23 मई 24 मई 25 मई 27 मई तक आप लगा लो कि ट्रेन्स डिले चलेंगी, क्योंकि अभी ट्रेन्स अपने नॉर्मल ट्रैक पे वापस आ रही हैं, तो अपने नॉर्मल रूटीन पे भी वापस आ जाएंगी। तो आपको 27-28 मई तक थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा ट्रेन के डिलेमेंट को लेके, उसके बाद जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, स्टे सेफ, जय हिंद।